हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार और सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था विलयता। क्या था? विलयता, उसकी परिभाषा हो गई थी। और विलयता से संबंधित जो टॉपिक था अपना वो थे दो, एक तो था ठोसों की द्रव्य विलयता और एक था गैसों की द्रव्य विलयता। तो अपना टॉपिक चल रहा था गैसों की द्रव्य विलयता और गैसों की द्रव्य विलयता पर जो दाब का प्रभाव उसके संबंध में मात्रात्मक संबंध है वो देने वाले वैज्ञानिक था हेनरी। कौन था? हेनरी, ठीक है। उस हेनरी का नियम अपन ने कल पढ़ लिया था। यानी हेनरी का नियम क्या था कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलयता बढ़ती है, ठीक है। तो उसके संबंध में दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलयता बढ़ती, उसके संबंध में जो हेनरी का नियम दिया था, और आज अपन पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, अच्छा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या है? तो हेनरी के नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलयता बढ़ती है। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन नंबर एक अनुप्रयोग इसका देखते हैं कि जितने भी ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उसमें जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस, वह उच्च दाब पर भरी जाती है। इस पर भरी जाती है, उच्च दाब पर भरी जाती है पेय पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ, ताकि उच्च दाब पर प्रेशर के साथ उस पर भरी जाती है, ताकि उसकी CO2 गैस, उसकी द्रव में विलयता अधिक हो, और उसके द्रव विलयता अधिक होगी तो उसको ठंडा रखने में वो सहायक होती है। पहला एप्लीकेशन अपना अनुप्रयोग इसका कि जितने भी ठंडे पेय पदार्थ होते हैं CO2 गैस उच्च दाब पर भरी जाती है, ठीक, ताकि उस CO2 गैस की विलयता अधिक हो। नंबर दो एप्लीकेशन है इसका इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि जितने भी जो समुद्री गोताखोर वगैरह होते हैं, कौन होते हैं? समुद्री गोताखोर। तो जो समुद्री जो गोताखोर होते हैं तो समुद्र की गहराई के अंदर जाते हैं, तो उनको उच्च दाब का सामना करना पड़ता है। जब उनको उच्च दाब का सामना करना पड़ता है तो उसमें जो गैस होती है उसकी रुधिर के अंदर विलयता अधिक हो जाती है, क्योंकि जैसे गहराई के अंदर जो दाब का अधिक सामना करना पड़ता है, इसकी वजह से उस गैस होती है उनकी जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, उसमें उसकी विलयता अधिक हो जाती है, यानी अधिक दाब के कारण। तो जैसे ही जो गोताखोर समुद्र की सतह पर आता है, तो सतह पर आता हो तो दाब में तेजी से कमी हो जाती है। दाब में कमी होने की वजह से जो रुधिर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस वगैरह उसकी विलयता अधिक हो गई थी, तो सतह के ऊपर जब गोताखोर आता है तो उस नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में रुधिर से बाहर निकलने लगती है, जिससे जो अपनी शरीर की जो केशिकाएं वगैरह कोशिकाएं वगैरह होती है उसमें बुलबुले से बनने के कारण उसमें धब्बे से हो जाते हैं। इसकी वजह से तो रुधिर वाहिनियां अपनी अवरुद्ध हो जाती है, रुधिर वाहिनियां अवरुद्ध हो जाते हैं, इससे घातक होता है। इस प्रकार जो रोग होते उसे बोलते हैं बेंड्स। इस रोग को क्या बोलते हैं? बेंड्स। तो क्वेश्चन आता है बेंड्स क्या है, इन बेंड्स रोग क्या है? तो अपन क्या जवाब देते हैं कि जो समुद्री गोताखोर जब समुद्र की गहराई के अंदर जाते हैं तो उसे अधिक दाब के कारण रुधिर में गैसों की विलयता अधिक हो जाती है, नाइट्रोजन गैस वगैरह अधिक की विलयता अधिक हो जाती है। जैसे ही समुद्री गोताखोर सतह के ऊपर आता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस के बुलबुले से बाहर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से जो शरीर की जो रुधिर कोशिकाएं वगैरह होती हैं उसमें अवरोध हो जाता है, यानी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस प्रकार के रोग को बोलते हैं अपन बेंड्स रोग। ये हानिकारक होता है, यानी एक प्रकार से जानलेवा रोग होता है, इस रोग को बोलते हैं बेंड्स, ठीक है। और इसी वजह इस कारण है इस बेंड्स रोग से बचने के लिए जो समुद्र जो गोताखोर है ऑक्सीजन के साथ हीलियम, किस गैस को उपयोग करते हैं? हीलियम गैस को तनुकारी के रूप में करते हैं। तो जो समुद्री गोताखोर है वो इस रोग से बचने हीलियम प्लस O2 का उपयोग करते हैं, ठीक है।
तो ये अपना क्वेश्चन भी आता है, ऑक्सीजन समुद्र जो गोताखोर वगैरह होते हैं वो ऑक्सीजन के तनुकार्य के रूप में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, हीलियम का, ठीक है। नंबर तीसरा इसका एप्लीकेशन अपना है, जो जितने भी आरोप और पर्वतारोह के, अब जैसे प्रत्येक सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो धीरे 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 अपने दाब का क्या हो जाता है, कम होता है। दाब कम होने की वजह से जो आरोपक होते हैं, ठीक है, उन आरोपों को कम दाब का सामना करना पड़ता है, कम दाब का पड़ता है। तो कम दाब का सामना करने की वजह से जैसे पृथ्वी सतह से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे वायुमंडल दाब कैसा होता जाता है, कम होता है। वायुमंडल दाब कम होने की वजह से दाब क्या हो जाएगा, कम। दाब कम होने की वजह से रुधिर के अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह है उसको कम जा पाती है, ऑक्सीजन के जरिए तो रुधिर में ऑक्सीजन कम मात्रा में जाएगी, जो आरोह क्या पर्वतारोही होते हैं ऊंचाई पर रहते हैं, धीरे 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 क्या होता है उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और वो धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। इस प्रकार के रोग को कहते हैं एनोक्सिया। इस रोग को क्या कहते हैं अपन, एनोक्सिया, ठीक है। तो दो हुए अपने, एक तो है बैंड्स, एक है एनोक्सिया। क्वेश्चन आता है बैंड्स, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, बैंड्स और एनोक्सिया। तो एनोक्सिया क्या है कि जैसे जैसे दाब कम होता जाता है तो श्वसन के साथ ऑक्सीजन कम शरीर में जाती है, जैसे सोचने सकने की दर कम हो जाती है, आरोह क्या पर्वत हुए होते हैं धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं, इस रोग को कहते हैं अपन एनोक्सिया। और ये क्या है, बैंड्स। तो बैंड्स तो कब होता है, अधिक दाब पर, जब अधिक मात्रा में दाब लगता है तो रुधिर में ऑक्सीजन गैस वगैरह की अधिक मात्रा में लग जाती है, जिसे बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिस कोशिका अवरुद्ध हो जाती है, उस रोग को कहते हैं बैंड्स। और एक अपना एनोक्सिया, ये होता है कम दाब के कारण, ठीक है। तो ये तो थे अपने हेनरी नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो दोनों विशेष के बैंड्स और एनोक्सिया पर विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इस गैसों की दरों में विलयता पर ताप का प्रभाव, गैसों की दरों में विलयता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ठीक है। तो ताप के प्रभाव में क्या होती है, गैसों की दरों में विलयता होती है। तो अपन ने ठोसों की दरों में विलयता पर एक टॉपिक पढ़ा था, ताप प्रभाव, उसमें देखा था कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है। यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने की विलयता में कमी आई थी, और यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने की विलयता में क्या होती है, वृद्धि। परंतु अपन पढ़ रहे गैसों की द्रव्य विलयता पर ताप का प्रभाव, गैसों की द्रव्य विलयता पर ताप का प्रभाव। तो गैसों की द्रव्य विलयता ताप बढ़ाने पर हमेशा में कमी आती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि गैसों में द्रव्य विलयता हमेशा अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी, कौन से अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी। इसकी वजह से ऊष्मा क्षेपी होने की वजह से विलयता में आती है कमी। कौन सा नियम लग रहा है, ला सैतेली नियम, कौन सा नियम लग रहा है, ला सैतेली नियम के कारण उसकी अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी, इसकी वजह से ताप में क्या आती है, कमी। तो गैसों की द्रव्यता पर क्वेश्चन आ जाए, गैसों की द्रव्यता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो गैसों की द्रव्यता ताप बढ़ाने पर हमेशा कमी होती है, कारण क्या है कि गैसों की दरों में लेता हमेशा अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी, इसकी वजह से ताप बढ़ाने में लेता में आती है कमी, ठीक है। तो ये तो था अपना हेनरी का नियम और उसका एप्लीकेशन और ताप के उसके ऊपर प्रभाव, ठीक है। इस प्रकार अपने टॉपिक कंप्लीट होता है विलयता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।